Hello everyone, I am Richa Gaur from Quick Maths, exercise 8.3, question number 1, part C. In C part, principal is rupee 62500 and time is it's 1/2. So time is 1 and 1/2 years, 1.5 year, and the rate is 8% per annum. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें ईयरली नहीं निकालना, हाफ ईयरली निकालना है. मतलब एक साल को दो पार्ट्स में ले लेंगे, तो जो हम एक साल में निकालते थे अब उसको हम दो तरीके से निकालेंगे, सिक्स मंथ मतलब दो बार. तो अगर दो बार निकालोगे तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये पर एनम दिया हुआ है. एक इसमें सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एक साल के ऊपर 8% है. तो अगर मुझे इसको छह महीने में निकालना है, मतलब तो हाफ ईयरली निकालना है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा. हर छह महीने बाद कितना इंटरेस्ट लगेगा, आधा. तो इसका मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या कर दूंगी, 8/2. ये चीज मेन है इसमें. जब आप हाफ ईयरली निकालते हो ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरे साल का होता है, लेकिन जब हम हाफ ईयरली करेंगे तो वो आधे आधे साल में बट जाएगा. तो इसलिए ये कितना हो गया, आधा. तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%. ये एक मेन बात है. सेकेंड, अब टाइम कितना हो गया. अगर हम टाइम देखें इसमें, तो ये देखिए एन क्या है, एन एक पूरा साल और एक आधा साल. ये बात क्लियर है. एक पूरे साल में कितने हाफ ईयर हुए, दो हाफ ईयर. एक पूरे साल में कितने हाफ ईयर हुए, मतलब 1/2 कर दूंगी ना मैं इसका. तो इसका मतलब 6 months, कितने 6 months हुए, दो. तो इसका मतलब ये हो गए दो 6 months, तो ये हो गए दो हाफ ईयर, तो इसके अंदर हो गए. जस्ट अ मिनट, दो हाफ ईयर तो हो गया एक साल, ठीक है. एक हाफ ईयर ये हो गया, एक हाफ ईयर हो गया ये आधा साल, तो कितने हो गए, 3 हाफ ईयर. सिंपल सी बात है, 6-6 महीने में डिवाइड करो डेढ़ साल को. तो डेढ़ साल को 6-6 महीने में डिवाइड करेंगे तो 6 महीने 6 महीने और अगला 6 महीने, इसका मतलब 3 बार वो आएगा हमारे पास हाफ ईयर. तो इसका मतलब एन क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स आएगा हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयर्स. एन हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स. और आर कितना हो जाएगा, ये हम हटा देते हैं हम यहाँ पे. अब R कितना हो गया हमारे पास, 4. और कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें, सब कुछ वही रहेगा. बस ये बात समझने की है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बिकम हाफ, और जो N है वो हाफ ईयरली में आप डिवाइड कर लो N को, जितने बन जाएंगे उतना ले लो उसको. तो ये हो गया. अब हम निकालेंगे इसको कंपाउंडेड, तो हम निकालेंगे अमाउंट. जस्ट मिनट, निकालेंगे अमाउंट कंपाउंडेड. यस, अमाउंट फॉर्मूला इज पी इंटू 1 + R/100 एंड एन. तो इसी में पुट करेंगे 62500 इंटू 1 + R क्या है, 4, और बाय 100, और एन क्या हो गया, 3. तो अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 62500 इंटू 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, 25 × 100. तो 25 है यहाँ, और ये लिया मैंने एलसीएम. एलसीएम लेंगे तो ऊपर 25 जाएगा, 25 + 1, ये क्या हो जाएगा, 25 + 1/25, और ये हो गया 3. तो अमाउंट क्या बन गया हमारे पास, 62500 इंटू 26/25. ये 3 टाइम्स हो गया, 26/25 एंड 26/25, ये हो गया 3 टाइम्स. अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो 25 × 6 = 25, तो दोनों कट गए और ऊपर आ गया 100. नाउ 25 × 4, तो ये आ गया सीधा 4. तो अमाउंट क्या हो गया हमारे पास, अब अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 26 × 26 पहले कर लेते हैं, 6 × 6 = 36, 6 कैरी, 12 and 15. ये 12 एक लिया ऊपर हमने, 2 × 4 and 5, तो ये हो गया 6 × 7 and 6, 676. फिर दोबारा हम करेंगे 676 को 26 से, क्योंकि 26 का क्यूब है, तो 676 को करेंगे 26 से. क्यूब दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, अभी हम सिंपल तरीके से निकाल रहे हैं. 6 × 6 = 36, 3 कैरी, 6 × 7 = 42, 45, 4 कैरी, 36 and 4 = 40. नाउ 2 × 6 = 12, 1 कैरी, 14 = 15, 1 कैरी, 12 = 13. तो ये हो जाएगा 6 7 5 7 1, तो 1 7 5 7 6. ये तो हो गया इसका, इसको 4 से और करेंगे साथ में, 1 7 5 7 6 को.
17576 को 4 से हम फिर कर देते हैं, तो ये 24, नाउ 28, 28 एंड 2 30, 20, 23, 2 कैरी, 28, 33 कैरी, 7, तो ये आ गया 70304, तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, रुपी 70304, ये है मेन अमाउंट। अब सिर्फ उसने अमाउंट नहीं पूछा, उसने साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ऐसे, जस्ट अ मिनट, यस, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट में से प्रिंसिपल को कर दो माइनस, तो अमाउंट कितना है 70304 और प्रिंसिपल कितना था 62500, है ना, तो ये बड़ा आ गया, पांच पांच नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ इसको करेंगे माइनस, तो ये आ गया 4, ये 0, 13 माइनस 5 8, नाउ 9 माइनस 2 इट्स 7, तो 7804 ये आ गया आपका सी आई, मैं यहाँ लिख देती हूँ सी आई इज रुपी 7804, तो ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दिस इज अबाउट द सी पार्ट, थैंक यू सो मच।